हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सीआईबी अशोक। फ्रेंड्स, आज हम ईवीएम के मॉड्यूल डी में चैप्टर नंबर 32 का पार्ट 6 करेंगे। तो ये चैप्टर है फ्रेंड्स फ्रॉड एंड विजिलेंस के बारे में, और इस लेक्चर में हम चेक से रिलेटेड जो फ्रॉड होते हैं उसके बारे में जानेंगे, क्या स्टेप्स उठाए जा सकते हैं ताकि हम चेक के फ्रॉड को रोक सकें, उन सब बातों को यहाँ पर क्लियर करना है हमें। चेक रिलेटेड फ्रॉड्स की यहाँ बात हो रही है। प्रिकॉशंस टू बी टेकन एंड रिपोर्टिंग टू आरबीआई एंड पुलिस। तो हमें क्या प्रिकॉशन लेनी है, ठीक है, और किस केस को आरबीआई को पुलिस को रिपोर्ट करना है, ये सारी बातें यहाँ पर हम करने वाले हैं। इन व्यू ऑफ राइज इन नंबर ऑफ चेक रिलेटेड फ्रॉड्स केसेस, बैंक वर एडवाइज टू रिव्यू एंड स्ट्रेंथन द कंट्रोल्स इन चेक प्रेजेंटिंग एंड पासिंग एंड टू इंश्योर दैट ऑल प्रोसीजरल गाइडलाइंस इंक्लूडिंग प्रिवेंटिव मेजर्स आर फॉलोड मेटिकुलसली बाई द डीलिंग स्टाफ एंड ऑफिशियल्स। तो चूँकि नंबर ऑफ चेक रिलेटेड फ्रॉड के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, इस वजह से आरबीआई ने बैंकों को सलाह दी है कि आप जो है जो ये चेक प्रेजेंटिंग और पासिंग जो आपका प्रोसेस है इसको और मजबूत कीजिए, इसको रिव्यू कीजिए, ठीक है। कंट्रोल्स जो हैं वो और ज़्यादा मजबूत होनी चाहिए ताकि हम फेक चेक पता कर सकें, यूवी लैंप वगैरह का यूज कर सकें, अगर अमाउंट ज़्यादा बड़ा है तो हम कस्टमर को कॉल करके पता कर सकें। इस तरीके की चीज़ें जो है हमें करने की ज़रूरत है, ओके। और साथ ही साथ ये भी इंश्योर करना है कि जो भी स्टाफ चेक में डीलिंग कर रहे हैं, चेक वगैरह कस्टमर्स के पास करते हैं, वो लोग भी जितनी भी गाइडलाइंस वगैरह हैं, जो भी प्रोसीजरल गाइडलाइंस हैं या जो प्रिवेंटिव मेजर्स बताए गए हैं फ्रॉड को रोकने के लिए, जो भी स्टेप्स बताए गए हैं, उन सबको पूरी तरह से फॉलो करें, ये भी ज़रूरी हो जाता है। बैंक्स वर आल्सो गिवन एन इलस्ट्रेटेड लिस्ट ऑफ सम ऑफ द प्रिवेंटिव मेजर दे मे फॉलो इन दिस रिगार्ड। तो बैंकों को एक लिस्ट दी गई है जिसमें कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स दिए गए हैं कि हम क्या कर सकते हैं फ्रॉड को रोकने के लिए। पहला, इंश्योरिंग यूज ऑफ 100% CTS। CTS होता है फ्रेंड चेक ट्रंकेशन सिस्टम। तो हमें CTS 2010 कंप्लायंट चेक को यूज करना चाहिए 100% तरीके से, ओके। यानी ऐसा कोई चेक जो एज पर स्टैंडर्ड ऑफ CTS 2010 नहीं है उसको नहीं यूज करना चाहिए। स्ट्रेंथनिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर एट चेक हैंडलिंग सर्विस ब्रांचेज, बेस्टोइंग स्पेशल अटेंशन ऑन द क्वालिटी ऑफ इक्विपमेंट एंड पर्सनल पोस्टेड फॉर CTS बेस्ड क्लियरिंग सो दैट इट इज़ नॉट मेयरली अ मैकेनिकल प्रोसेस। तो जिस भी ब्रांच में चेक वगैरह हैंडल किए जाते हैं वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किए जाने की ज़रूरत है। कैसे करेंगे हम ये, जो भी इक्विपमेंट वगैरह हम वहाँ पर यूज करते हैं CTS क्लियरिंग में वो अच्छी क्वालिटी के लगाए जाएँ, साथ ही साथ में जो भी व्यक्ति जो भी स्टाफ वहाँ पर पोस्टेड है जो CTS क्लियरिंग वगैरह देखता है उसकी भी नॉलेज वगैरह इन्हेंस की जानी चाहिए ताकि CTS क्लियरिंग केवल एक मैकेनिकल प्रोसेस ना हो जाए कि इधर से चेक एक मशीन में डाला और उधर पास होकर के निकल जाए, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको ड्यू डिलीजेंस के साथ करने की ज़रूरत रहती है। इंश्योरिंग दैट बेनिफिशरी इज KYC कंप्लायंट, है ना, जिसके भी खाते में पैसा चेक से जा रहा है वो KYC कंप्लायंट हो, हमें ऐसा इंश्योर करना चाहिए। अगर ऐसा हम करते हैं तो हम अपने आप को बचा पाएंगे, ओके। ये प्रिवेंटिव स्टेप है सो दैट द बैंक हैज रिकोर्स टू हिम आर हर एज लॉन्ग एज ही सी रिमेन अ कस्टमर ऑफ बैंक। तो मान लो कि अगर बेनिफिशियरी जिसके खाते में पैसा गया अगर वो KYC कंप्लायंट है तो अगर हमें ज़रूरत पड़ती है वो हमारा कस्टमर है तो हम उससे रिकवरी वगैरह कर सकते हैं। उसके बाद बैंकों को चाहिए कि एग्जामिनेशन करें अल्ट्रा वायलेट लैम्प, यूवी लैम्प होते हैं बैंकों में फ्रेंड्स जो है, तो एग्जामिनेशन अंडर यूवी लैम्प फॉर ऑल चेक्स बियॉन्ड अ थ्रेशोल्ड ऑफ 2 लाख, 2 लाख से ऊपर के जितने भी चेक हैं उन सबको यूवी लैम्प से चेक किया जाना चाहिए। फ्रॉड रिपोर्टिंग की थोड़ा सा बात करेंगे यहाँ पर कि फ्रॉड की रिपोर्टिंग किस स्टेज पर कितनी होनी चाहिए। तो 3 करोड़ का या उससे ऊपर का फ्रॉड है और 25 करोड़ रुपये तक का फ्रॉड है तो अगर जो है स्टाफ इन्वॉल्व है तो CBI की एंटी करप्शन ब्रांच में कंप्लेंट लॉन्च की जाएगी। और अगर स्टाफ इन्वॉल्व है ये बात क्लियर नहीं होती है, प्राइमा फेसिया मतलब प्राथमिक तौर पर ये नहीं लगता कि स्टाफ इन्वॉल्व है तो उसका कंप्लेंट जो है इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ऑफ CBI के पास किया जाएगा, ओके। मतलब कहने का अगर फ्रॉड हो जाता है तो उस केस में कितने अमाउंट के फ्रॉड में कहाँ पर रिपोर्टिंग की जाएगी। तो हमने पहले देखा कि 3 करोड़ से ज़्यादा और 25 करोड़ तक का यदि फ्रॉड हुआ है तो अगर स्टाफ इन्वॉल्व है ये बात लगता है देखने पर कि प्राइमा फेसिया का मतलब होता है प्राथमिक तौर पर आपको लगता है कि हाँ स्टाफ इन्वॉल्व है तो एंटी करप्शन ब्रांच में भेज दीजिए क्योंकि आपका जो एम्प्लॉई है वो करप्ट हो चुका है, ओके, तो एंटी करप्शन ब्रांच में जाएगा। अगर लगता है कि स्टाफ इन्वॉल्व नहीं है, हमें डाउट है
पक्का नहीं कर पा रहे हैं कि स्टाफ इन्वॉल्व है, तो उस समय इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ऑफ सीबीआई में हम अपनी कंप्लेंट डालेंगे। उसके बाद में अगर 25 करोड़ से ऊपर और 50 करोड़ तक का फ्रॉड हुआ है तो उस केस में उसकी कंप्लेंट हम BSFC बैंकिंग सिक्योरिटी एंड फ्रॉड सेल के पास करेंगे सीबीआई की। इसमें मतलब पब्लिक सर्वेंट यानी कि एम्प्लॉय इन्वॉल्व है या नहीं इन्वॉल्व उससे मतलब नहीं है, इररिस्पेक्टिव ऑफ मतलब जो है इन्वॉल्वमेंट, 25 करोड़ से ऊपर और 50 करोड़ तक का जो भी फ्रॉड होगा उसको BSFC के पास में हमें कंप्लेंट लॉन्च करनी पड़ती है। ये होता है BSFC होता है आपका बैंक सिक्योरिटी एंड फ्रॉड सेल। अगर 50 करोड़ से ऊपर का फ्रॉड हो गया है तो उसको सीधे सीबीआई के जॉइंट डायरेक्टर, तो कंप्लेंट कहाँ लॉज होगी, सीधे जॉइंट डायरेक्टर ऑफ सीबीआई जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है उसके पास में सीधे कंप्लेंट लॉज होगी। यानी 50 करोड़ से ऊपर का जो फ्रॉड है वो जॉइंट डायरेक्टर पॉलिसी वाले सीबीआई के पास ज़्यादा है। इसके अलावा बैंकों को चाहिए कि अगर 5 लाख रुपये या उससे ऊपर का जो है चेक है तो उसे मल्टीपल लेवल पर चेकिंग की जानी चाहिए, चेकिंग एट मल्टीपल लेवल ऑफ चेक्स अबव अ थ्रेशहोल्ड ऑफ 5 लाख। तो अगर जो 5 लाख की थ्रेशहोल्ड अगर बैंक ने सेट कर रखी है तो उससे ऊपर का अगर कोई चेक आता है तो उसे मल्टीपल लेवल पर चेकिंग करनी चाहिए। मतलब जैसे मेकर और चेकर का कॉन्सेप्ट होता है तो हम मेकर चेकर से और आगे बढ़ जाएं, 4-5 लोगों को इन्वॉल्व करें और इस प्रोसेस को कंप्लीट करने में, ताकि चेकिंग सही से हो पाए। ब्रांचों को चाहिए कि वो क्लोज मॉनिटरिंग करें किसकी, क्रेडिट एंड डेबिट इन न्यूली ओपन ट्रांजेक्शन अकाउंट बेस्ड ऑन रिस्क कैटेगराइजेशन। जो भी नए खाते खुलते हैं उनमें क्रेडिट और डेबिट जो हो रहा है उसकी क्लोज मॉनिटरिंग करने की ज़रूरत होती है, खास करके जो नए खुले हुए खाते हैं, बेस्ड ऑन देयर रिस्क कैटेगराइजेशन। अगर लो रिस्क है कि मीडियम रिस्क है कि हाई रिस्क का कस्टमर है, उनके आधार पर आप जो है ट्रांजेक्शन्स को मॉनिटर करते रहेंगे। सेंडिंग एन SMS अलर्ट टू पेयर ड्रावर व्हेन चेक आर रिसीव्ड इन क्लियरिंग। तो जब भी क्लियरिंग में कोई चेक रिसीव होता है तो जिस व्यक्ति ने चेक को लिखा हुआ है ना, ड्रावर जिसे बोलते हैं, जिसने ड्रॉ किया है, जिसने लिखा हुआ है, तो उसको SMS से भेजा जाएगा कि आपके खाते में 5 लाख रुपए जो है का चेक प्रेजेंट हुआ है जिसको हम इस बेनिफिशियरी के खाते में डालने जा रहे हैं। इस तरीके के अलर्ट उसके पास जाना चाहिए। बैंक शैल रिड्यूस आर इंक्रीज द थ्रेशहोल्ड लिमिट मेंशन्ड अबव। तो बैंक अगर चाहे तो ये थ्रेशहोल्ड लिमिट, जैसे 5 लाख रुपए का चेक को मल्टीपल लेवल पर चेक करने के लिए कहा जा रहा है, तो इस थ्रेशहोल्ड लिमिट को अपने हिसाब से घटा बढ़ा सकते हो आप, लेकिन उसके लिए बोर्ड का अप्रूवल होना चाहिए। और ये बोर्ड का अप्रूवल किस आधार पर मिलेगा कि कितने सारे चेक हमारा बैंक हैंडल करता है और बैंक कितना रिस्क लेने को तैयार है, उसके हिसाब से बोर्ड अप्रूव करेगा कि हम चेक की थ्रेशहोल्ड लिमिट कम करेंगे या ज़्यादा करेंगे। उसके अलावा कुछ और भी जो है प्रिवेंटिव मेजर्स की बात हुई है, लेकिन पहले इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। तो इसमें हमने देखा कि चूंकि चेक से रिलेटेड फ्रॉड के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे, तो RBI ने सलाह दी कि जो भी कंट्रोल्स वगैरह लगा रखा है अपने चेक प्रेजेंटिंग और पासिंग के दौरान उसको और स्ट्रेंथन करिए, मजबूत करिए, उसको रिव्यू करिए, ओके। और साथ ही साथ इंश्योर करिए कि जो भी स्टाफ चेक से रिलेटेड काम को कर रहा है वो सभी जो भी गाइडलाइंस जो है बैंक ने बनाई हुई हैं उनको प्रॉपर तरीके से फॉलो करें, साथ ही साथ प्रिवेंटिव मेजर्स को भी फॉलो करें। जो चीज़ें फ्रॉड को रोकने के लिए कही गई हैं उनको फॉलो करें, जैसे 2 लाख से ऊपर का चेक है तो उसे UV लैंप से चेक करना चाहिए, है ना। उसके बाद में अगर 5 लाख से ऊपर का केस है तो उसे मल्टीपल लोगों द्वारा चेक करवाना चाहिए। इस तरीके की चीज़ें हम कर सकते हैं। बैंकों को इलस्ट्रेटिव लिस्ट दी गई है प्रिवेंटिव मेजर्स से रिलेटेड, जो कि ये हैं, नीचे दे गए हैं क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं, यानी कि फ्रॉड को कैसे रोका जा सकता है। तो पहला, इंश्योर करें कि जो CTS 2010 कंप्लायंट चेक्स हैं वही यूज किए जाने चाहिए, ठीक है। सारे चेक CTS 2010 कंप्लायंट होने चाहिए। उसके बाद में जो स्टाफ आपका CTS क्लियरिंग वगैरह देख रहा है उसको प्रॉपर जो है एजुकेट किया जाना चाहिए, ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, ओके। और साथ ही साथ में जो ब्रांच चेक वगैरह को प्रोसेस करती है, चेक हैंडलिंग करती है, वहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजबूत किया जाना चाहिए। जो इक्विपमेंट वगैरह हैं वो अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि अल्ट्रा वायलेट जो लैंप लगा हुआ है वो सही से डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है ना। जो फेक चेक डिटेक्ट करने वाली कोई इक्विपमेंट अगर आपका लगा हुआ है तो वो चेक ही नहीं कर पा रहा है, तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में जिसके भी खाते में चेक से पैसा जा रहा है उसे बेनिफिशियरी बोलेंगे, वो KYC कंप्लायंट होना चाहिए। अगर KYC कंप्लायंट रहेगा तो उसकी सारी नाम, आधार कार्ड और ये सारी चीज़ें हमारे पास होंगी तो हम उससे पैसों की रिकवरी कर सकेंगे या जरूरत होगी
बैंकों को चाहिए कि वो 2 लाख से ऊपर की जो है चेक थ्रेशोल्ड बोला हुआ है इन्होंने, बियॉन्ड थ्रेशोल्ड 2 लाख है, अल्ट्रावायलेट लैंप का यूज़ किया जाना चाहिए, लेकिन ये घटा बढ़ा भी सकता है। हो सकता है आपके बैंक में आपसे कहा गया हो कि 1 लाख से ऊपर के चेक को जो है आपको मतलब चेक करना चाहिए, क्योंकि ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा घटाया बढ़ाया जा सकता है। तो वैसे जनरली क्या गाइडलाइन है कि कोई भी चेक अगर जो है 2 लाख या उससे ऊपर का है तो उसे अल्ट्रावायलेट लैंप से एग्जामिन किया जाना चाहिए। फिर हमने बात की थी फ्रॉड रिपोर्टिंग की, तो अगर 3 करोड़ से ज़्यादा, 3 करोड़ या उससे अधिक और 25 करोड़ तक का कोई फ्रॉड है, स्टाफ इन्वॉल्व है यानी करप्ट हो चुका है, तो एंटी करप्शन ब्रांच में, सीबीआई के एंटी करप्शन ब्रांच में आप कंप्लेंट कीजिए। अगर स्टाफ इन्वॉल्व है, ये बात क्लियर नहीं होती है, एविडेंस नहीं हमारे पास, तो इकोनॉमिक ऑफेंस विंग के पास में हम कंप्लेंट करते हैं। अगर 25 करोड़ से ऊपर का और 50 करोड़ तक का फ्रॉड हुआ है तो उसकी कंप्लेंट सीबीआई की बीएसएफसी बैंकिंग सिक्योरिटी एंड फ्रॉड सेल में किया जाता है। स्टाफ इन्वॉल्व है या नहीं इन्वॉल्व इससे कोई मतलब नहीं है, 50 करोड़ से ऊपर का कोई अगर फ्रॉड होता है तो वो सीधे ज्वाइंट डायरेक्टर पॉलिसी सीबीआई के पास में कंप्लेंट लॉज होती है। यहाँ पर भी स्टाफ इन्वॉल्व है या नहीं इन्वॉल्व उस बात से कोई लेना देना नहीं होता है। उसके बाद में मल्टीपल लेवल पर चेकिंग की जानी चाहिए, अगर कोई चेक है जिस जो एक थ्रेशोल्ड से ऊपर का होता है, जैसे 5 लाख से ऊपर के जो चेक हैं वो मल्टी लेवल पर चेक किए जाने चाहिए। जो भी नए खाते खुलते हैं उनका रिस्क के आधार पर, रिस्क कैटेगराइजेशन के आधार पर उनकी डेबिट और क्रेडिट की ट्रांजेक्शन्स को मॉनिटर किया जाना चाहिए। ओके, उसके बाद में SMS भेजा जाना चाहिए पेयर को या ड्रॉअर को जिसने चेक लिखा हो, जिसके खाते से पैसे कटेंगे। ओके, जब भी कोई चेक उस क्लियरिंग में रिसीव होता है तो उसको SMS से अलर्ट जाना चाहिए। उसके बाद में बैंक चाहे तो जो भी थ्रेशोल्ड लिमिट की हमने बात की, जैसे 5 लाख से ऊपर का, 2 लाख से ऊपर का, यूबी लैंप वाली बात की, तो यदि बैंक चाहता है तो इस लिमिट को घटा या बढ़ा सकता है, लेकिन उसके लिए उसे बोर्ड का अप्रूवल चाहिए होगा। और बोर्ड अप्रूवल किस बात पर देगा कि कितने मतलब दिन भर में हम कितने चेक प्रोसेस करते हैं और हमारा बैंक कितना रिस्क लेने के लिए रेडी है। इसके अलावा मतलब इतना सारा प्रिवेंशन तो हमने किया ही, उसके अलावा भी कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स बताए गए हैं। बैंक में आल्सो कंसीडर द फॉलोइंग प्रिवेंटिव मेजर्स फॉर डीलिंग विद सस्पिशियस आर लार्ज वॉल्यूम चेक इन रिलेशन टू एन अकाउंट्स नॉर्मल लेवल ऑफ ऑपरेशन। तो कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स जो हम ले सकते हैं, जैसे अगर कोई आपके पास चेक आया है जो कि आपको सस्पिशियस लगता है या बड़े वैल्यू का चेक आ गया है, बड़े वैल्यू कैसे डिसाइड करेंगे, तो भाई जो अकाउंट है उसका नॉर्मल ऑपरेशन, अब जैसे किसी का सेविंग अकाउंट है उसमें बहुत ज़्यादा 50,000-60,000 तक के चेक आया करते थे, लेकिन अभी अचानक से 10 लाख रुपए का चेक आ गया तो इसका मतलब वो लार्ज वॉल्यूम चेक हो गया। कोई आपका करंट अकाउंट होल्डर है वो 10-12 लाख रुपए तक के चेक काटा करता था, कोई दिक्कत नहीं, 10-20 लाख के चेक आया जाया करते हैं, पैसा आया जाया करता है, लेकिन उसका 2 करोड़ का चेक आ जाए तो ये लार्ज वॉल्यूम चेक हो जाएगा उस केस में। अगर आपको कोई सस्पिशियस लगता है तो उस केस में आपको क्या करना होगा, अगर ऐसा है लार्ज वॉल्यूम चेक आया है, सस्पिशियस चेक आया हुआ है, तो आपको चाहिए कि कस्टमर को अलर्ट कीजिए फ़ोन कॉल के थ्रू और उससे कंफर्मेशन लीजिए, ड्रॉअर से जिसने भी चेक इशू किया है उससे कंफर्मेशन लीजिए कि क्या सर आपने 2 करोड़ रुपए का चेक इशू किया है। ओके, ये चीज़ हो गई। उसके बाद में कॉन्टैक्टिंग बेस ब्रांच इन केस ऑफ नॉन होम चेक, अगर मान लीजिए कोई चेक ऐसी ब्रांच में प्रेजेंट हुआ है जो उसकी बेस ब्रांच नहीं है, तो उस केस में जो ब्रांच है, नॉन होम ब्रांच है, नॉन बेस ब्रांच है, वो बेस ब्रांच से फ़ोन पर कांटेक्ट भी कर सकती है, पूछ भी सकती है, अपना क्लेरिफिकेशन ले सकती है। इन सम केसेस इवन दो ओरिजिनल चेक्स वर इन कस्टडी ऑफ कस्टमर, चेक विद द सेम सीरीज हैज़ बीन प्रेजेंटेड एंड इनकैश्ड बाई फ्रॉडस्टर। कुछ केसेस ऐसे आते हैं ओरिजिनल चेक कस्टमर के पास ही है लेकिन उसके बावजूद भी उसी सेम सीरीज का, उसी सारे नंबर वगैरह सब कुछ सेम होते हुए चेक जो है प्रेजेंट किया गया और उसे इनकैश करवा लिया, नकदी ले ली गई फ्रॉडस्टर के द्वारा, जबकि ओरिजिनल चेक कस्टमर के पास है। तो इस केस में क्या करने की जरूरत होती है, इन दिस कनेक्शन बैंक्स आर एडवाइज टू टेक एप्रोप्रिएट प्रिकॉशनरी मेजर टू इंश्योर दैट द कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, कस्टमर का नाम, अकाउंट नंबर, सिग्नेचर, चेक का सीरियल नंबर और अदर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आर नाइदर कंप्रोमाइज नॉर मिसयूज्ड आइदर फ्रॉम बैंक आर फ्रॉम द वेंडर, चाहे वो प्रिंटर और कुरियर वगैरह वाले जो वेंडर्स होते हैं। तो मतलब ये कह रहे हैं कि अगर कोई बड़े अमाउंट का चेक आता है और मतलब हमें पता चलता है कि ओरिजिनल चेक कस्टमर के पास है और नकली चेक जो है उसके जैसा ही दिखने वाला वो फ्रॉडस्टर्स ने कैश करवा लिया, तो ये कैसे पॉसिबल होगा, अगर मेरा चेक मेरे पास है तो भाई अगर इसका मतलब सब कुछ तुम चुरा सकते हो लेकिन मेरा जो चेक का सीक्वेंस नंबर वो सब चोरी होना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसका मतलब डेटा कहीं ना कहीं से लीक हुआ है, चाहे वो ब्रांच के स्टाफ द्वारा किया गया है, चाहे वेंडर के एंड से किया गया है, जो प्रिंटर में कार्ट्रिज वगैरह डालने आते हैं, जो आपका कोरियर वगैरह सर्विस डिलीवर करने आते हैं, प्रिंटर ठीक करने आते हैं, ये लोग भी इस तरीके का कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं। ओके, स्टाफ मेंबर के एंड से भी गलतियाँ
हो सकती हैं, वो भी कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं, मिसयूज कर सकते हैं। तो हमें प्रिवेंशन क्या करना होगा कि कस्टमर का कोई भी कॉन्फिडेंशियल डेटा लीक नहीं होना चाहिए। कुल मिलाकर के हमें यहाँ यही प्रिवेंशन कर सकते हैं, कस्टमर का कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, जैसा उसका नाम, उसका अकाउंट नंबर, उसकी सिग्नेचर कैसी होगी, जो चेक इशू हुआ उसका सीरियल नंबर और अदर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, वो कंप्रोमाइज नहीं होनी चाहिए, मिसयूज नहीं होनी चाहिए। ड्यू केयर एंड सिक्योर हैंडलिंग आर ऑल्सो टू बी एक्सरसाइज इन मूवमेंट ऑफ चेक फ्रॉम द टाइम दे आर टेंडर्ड ओवर द काउंटर आर ड्रॉप्ड इन द कलेक्शन बॉक्स बाई कस्टमर। तो कस्टमर ने चेक ला करके आपके काउंटर पर रख दिया, या जो चेक कलेक्शन बॉक्स है उसमें ड्रॉप कर दिया, ला करके उसमें डाल दिया, बॉक्स में डाल दिया है चेक को, तो हमें उस चेक को केयर के साथ और सिक्योरली हैंडल करना चाहिए, किसी दूसरे के हाथ में नहीं लगना चाहिए। ओके, ये चीज़ हमें इंश्योर करनी पड़ेगी। ओके, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। RBI हैज़ डायरेक्टेड ऑल बैंक्स टू इंट्रोड्यूस पॉजिटिव पे कन्फर्मेशन, या पॉजिटिव पे सिस्टम भी कहते हैं, फॉर ऑल चेक्स अमाउंटिंग 50,000 एंड अबव व्हिच आर इशूड बाय द अकाउंट होल्डर्स। तो RBI ने जो है बैंकों को गाइडलाइन इशू की है कि 50,000 से ऊपर का जो भी चेक इशू होता है, 50,000 या उससे ज़्यादा का, तो उसमें पॉजिटिव पे कन्फर्मेशन कीजिए, पॉजिटिव पे सिस्टम को लाइए। पॉजिटिव पे कन्फर्मेशन क्या होती है, जब भी मान लीजिए मैंने 1,00,000 रुपये का चेक जो है काटा, तो मैंने 1,00,000 का चेक काटा है, तो इस चेक की जो डिटेल्स होंगी इंटरनेट बैंकिंग से, मोबाइल बैंकिंग से, SMS के थ्रू, है ना, या फिर ब्रांच विजिट करके मैं बैंक की नॉलेज में लाऊंगा कि हाँ मैंने एक चेक 1,00,000 रुपए का काटा है जिसका सीरियल नंबर ये है, पे मतलब जो है बेनिफिशियरी ये होगा, ओके, इस डेट को काटा गया। वो सारी डिटेल्स आपको फीड करनी होती है। अब उससे फ़ायदा क्या हुआ कि मतलब आपने सिर्फ चेक काटा, उससे आपकी जिम्मेदारी नहीं ख़त्म हुई, अब आपने बैंक को भी बता दिया कि हमने ये चेक काटा हुआ है, तो इससे क्या हुआ, पॉजिटिव पे कन्फर्मेशन हो गई कि हाँ आप ही ने चेक इशू किया हुआ है। ओके, अब वही है पॉजिटिव पे कैसे काम करता है। कस्टमर हैज़ बीन एडवाइज टू गिव एडवांस इन्फॉर्मेशन टू दियर बैंक्स वाइल इशूइंग चेक ऑफ सच अमाउंट। तो इसमें कस्टमर को एडवाइस किया गया है कि वो एडवांस में जानकारी दे बैंकों को, जब भी कोई चेक इशू करते हैं आप 50,000 या उससे ऊपर का, तो एडवांस में ही अपने बैंक को बताएंगे। ओके, तो चेक इशू किया और एडवांस में ही बता दिया कि भाई हमने चेक इशू किया है, आप इसको पेमेंट कर दीजिएगा। अगर पॉजिटिव पे कन्फर्मेशन नहीं है तो बैंक जो है चेक की पेमेंट रोक सकता है। उसके बाद में अगला है, टू इंश्योर यूनिफॉर्मिटी एंड अवॉइड डुप्लीकेशन, रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड इन्वॉल्विंग फॉर्ज्ड इंस्ट्रूमेंट इंक्लूडिंग फेक फॉर्ज्ड इंस्ट्रूमेंट सेंट इन क्लियरिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रंकेटेड इंस्ट्रूमेंट इज डन बाई पेइंग बैंकर एंड नॉट बाई कलेक्टिंग बैंकर। ओके, तो यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए ये कहा गया है कि अगर कोई नकली चेक या मॉडिफाइड फॉर्ज्ड चेक अगर आता है और उसकी पेमेंट हो जाती है, तो उस केस में जो कंप्लेंट लॉज की जाएगी वो पेइंग बैंकर द्वारा की जाएगी, ना कि कलेक्टिंग बैंकर। कलेक्टिंग बैंकर कौन सा होता है, जब आप चेक ले जा करके आपने एक ब्रांच में दे दिया तो वो कलेक्टिंग ब्रांच हो गई या कलेक्टिंग बैंकर हो गया। मान लीजिए आपने BOB की ब्रांच में एक चेक दे दिया, ठीक है, अब उसके बाद में जो चेक है जिसके खाते से पैसा आना है, ये जो चेक है ये PNB का है, तो PNB के खाते से पैसा जाना है, दैट मीन्स कि पेइंग बैंकर कौन हो जाएगा, PNB। कलेक्टिंग बैंकर कौन हो गया, BOB हो गया। अब ये पूरा होता नहीं, चेक क्लियरिंग में जाएगा, BOB से जा करके PNB के पास जाएगा, फिर PNB पेमेंट करेगा BOB को, है ना, और या फिर मतलब दूसरा तरीका होता है कि BOB ने चेक लिया और पेमेंट कर दी, ठीक है, और उसके बाद में PNB से पैसे ले लिए, दोनों पॉसिबिलिटीज होती हैं। इन सच केसेस द प्रेजेंटिंग बैंक विल इमीडिएटली हैंड ओवर द अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट टू ड्रॉई पेइंग बैंक एज एंड व्हेन डिमांडेड टू इनेबल इट टू फाइल एन FIR व्हेन द पुलिस अथॉरिटी एंड रिपोर्ट द फ्रॉड टू RBI। तो बोल रहे हैं कि अगर मतलब ऐसा फ्रॉड हो जाता है कि मतलब फेक चेक को यूज करके पेमेंट हो गई है, तो उस केस में जो प्रेजेंटिंग बैंक है वो क्या करेगा, चूंकि प्रेजेंटिंग बैंक के पास ही जो है वो या कलेक्टिंग बैंक के पास ही चेक रहेगा, तो वो तुरंत ही उस चेक को पेइंग बैंक या ड्रॉवी के पास दे देगा। ओके, और उसके बाद में FIR वगैरह लॉज की जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। इट इज़ द पेइंग बैंक हु विल फाइल द पुलिस कंप्लेंट एंड नॉट द कलेक्टिंग बैंकर। तो पेइंग बैंक की जिम्मेदारी होगी कि वो जो है पुलिस कंप्लेंट को करेगा, ना कि कलेक्टिंग बैंकर की यहाँ पर जिम्मेदारी होगी। हाउएवर इन केस ऑफ कलेक्शन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज जेन्युइन, अब क्या हुआ कि एक जो है यहाँ देखिए, इस ये दोनों केस एकदम सेम है, यहाँ
क्या हुआ कि फेक चेक यूज किया गया है, तो उस केस में कौन रिपोर्टिंग कर रहा है? पेइंग बैंकर। यहाँ पर जेन्युइन चेक यूज हो रहा है, इंस्ट्रूमेंट इज जेन्युइन, लेकिन जो पेमेंट हुई है वो फ्रॉडुलेंट तरीके से ले ली गई है, तो उस केस में कलेक्टिंग बैंक की जिम्मेदारी होगी कंप्लेंट को फाइल करने। बस इतनी सी बात इस पूरे कहानी में बताई गई है। इन केस ऑफ कलेक्शन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज जेन्युइन बट द अमाउंट इज कलेक्टेड फ्रॉडुलेंटली बाय अ पर्सन हु इज नॉट द ट्रू ओनर आर वेयर द अमाउंट हैज बीन क्रेडिटेड बिफोर रियलाइजेशन। ओके, तो मतलब कहने का कि चेक जेन्युइन था लेकिन उसकी पेमेंट किसी ऐसे व्यक्ति ने ले ली है जो उसका ओनर नहीं था, जो उसका मालिक नहीं था, या चेक रियलाइज हो उसके पहले ही उसके खाते में पैसे क्रेडिट कर दिए गए, कस्टमर के खाते में पैसे क्रेडिट कर दिए गए हैं। जैसे बैंक में कस्टमर लेकर आया चेक को, कलेक्टिंग बैंक ने देखा और उसके बाद में उसको पेमेंट कर दी। अभी चेक जो है जाना था BOB से PNB के पास में, PNB के पास गया नहीं है तो रियलाइज हुआ नहीं है, लेकिन पेमेंट कर दी ये मान करके कि सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो ये अगर सिचुएशन होती है कि मतलब पैसा पहले ही क्रेडिट हो जाता है रियलाइजेशन से एंड सब्सिक्वेंटली द इंस्ट्रूमेंट इज फाउंड टू बी फेक और फॉर्ज्ड, और बाद में पता चलता है कि जो इंस्ट्रूमेंट है वो फेक है या फॉर्ज्ड है एंड रिटर्न बाई पेइंग बैंक, तो अगर फेक है या फॉर्ज्ड है तो भाई पेइंग बैंक तो लौटा ही देगा, PNB तो मना कर देगा ना, उसको तो पता ही चल गया कि ये इंस्ट्रूमेंट सही नहीं है कलेक्टिंग बैंक को। अब चूंकि इसी के साथ कलेक्टिंग बैंक को डिफ्रॉड किया गया, उसी के साथ धोखा हुआ है, तो ऐसे में जो मतलब केस और कंप्लेंट फाइल होगी वो दोनों को दोनों जो है कलेक्टिंग बैंक को ही करना पड़ेगा। इन केस ऑफ कलेक्शन ऑफ एल्टर्ड फेक चेक इन्वॉल्व टू आर मोर ब्रांचेज ऑफ द सेम बैंक, अगर एक ही बैंक की दो या दो से अधिक ब्रांचें इन्वॉल्व हैं कलेक्शन में, किसके फेक चेक के, अल्टर्ड चेक के कलेक्शन में दो या दो से अधिक ब्रांचेज इन्वॉल्व हैं, तो जिस ब्रांच में इन कैश करवाया गया है, जिस ब्रांच में पैसा दिया गया है कस्टमर को या थर्ड पार्टी को या फ्रॉड करने वाले व्यक्ति को, वो ब्रांच जो है हेड ऑफिस में फ्रॉड की रिपोर्ट करेगी। मतलब मान लीजिए दो तीन ब्रांचें इन्वॉल्व हैं, तो जिस ब्रांच ने फाइनली ए ब्रांच के पास में चेक गया उसने नहीं दिया, बी ब्रांच के पास चला गया, बी ब्रांच से फिर सी ब्रांच के पास चला गया और सी ब्रांच ने इसको कैश कर दिया, ठीक है, तो अब सी ब्रांच की जिम्मेदारी होगी कि ये जो है कंप्लेंट वगैरह फाइल करेगा। ओके, तो ये हुई फ्रेंड जो है कुछ प्रिवेंटिव स्टेप्स जो हमें लेने चाहिए। BRBL में पूरा BRBL जो आपका है उसमें पूरा का पूरा एक चैप्टर दो चैप्टर होंगे इसी बात पर ही। ओके, बहुत डिटेल में वहाँ पर बातचीत होगी चेक की पेमेंट वगैरह को लेकर के, बट यहाँ पर थोड़ा रेफरेंस आया है तो जान लेना आवश्यक है। तो अगर आपका कोई सस्पिशियस या लार्ज वॉल्यूम का चेक आता है तो उसमें क्या प्रिवेंशन आप कर सकते हैं? पहला तो कस्टमर को अलर्ट करिए फ़ोन करके, ठीक है, कंफर्मेशन लीजिए जिसने भी चेक काटा है, चेक बनाया हुआ है। ओके, उसके बाद में ज़रूरत पड़ती है तो बेस ब्रांच से कॉन्टेक्ट करिए अगर जो है नॉन बेस ब्रांच में चेक आया हुआ है, ठीक है। उसके बाद में अगर ओरिजिनल चेक कस्टमर की कस्टडी में ही है उसके बावजूद भी सेम सीरीज का जो है मतलब चेक प्रेजेंट हुआ और कैश करवा लिया गया फ्रॉड करने वाले के द्वारा, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं? हमें प्रिकॉशन रखनी होगी कि कस्टमर का जो भी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन वो कभी लीक ना हो, ना तो उसका मिसयूज हो, ना ही वो कंप्रोमाइज होना चाहिए, ना तो बैंक के स्टाफ के द्वारा ना ही वेंडर्स के द्वारा इसे लीक होना चाहिए, मतलब मिसयूज नहीं होना चाहिए। ओके, उसके बाद में जब भी कस्टमर ने काउंटर पर ला करके चेक दे दिया या कलेक्शन बॉक्स में चेक डाल दिया है तो बैंक की जिम्मेदारी होगी कि उसकी हैंडलिंग जो है केयर के साथ और सिक्योर तरीके से उसकी हैंडलिंग की जानी चाहिए। ऐसा ना हो कि कलेक्शन बॉक्स से कोई चेक निकाल ले और दूसरा जो है चेक वहाँ कैश करवा ले, ये सब चीज़ें मतलब किसी दूसरे के हाथ लगना नहीं चाहिए, कुल मिलाकर के चेक को बचाना होगा। इसी के लिए RBI ने सभी बैंकों को कहा है कि आप पॉजिटिव पे कन्फर्मेशन सिस्टम लाइए जितने भी चेक हैं 50,000 या उससे ऊपर के। ओके, 50,000 या उससे ऊपर के जो भी चेक होंगे उसमें ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पॉजिटिव पे कन्फर्मेशन की मिनिमम लिमिट क्या है? 50,000 एंड अबव है। तो पॉजिटिव पे कन्फर्मेशन कैसे काम करता है? जब भी आप कोई चेक काटते हैं तो जो चेक काटा है उसकी डिटेल्स आपको इंटरनेट बैंकिंग के जरिए, मोबाइल बैंकिंग या मोबाइल ऐप के जरिए या SMS के थ्रू या ब्रांच विजिट करके आपको ब्रांच के नॉलेज में, बैंक के नॉलेज में लाना पड़ता है कि हमने एक चेक इतने अमाउंट का काटा हुआ है, आप इसकी पेमेंट कर दीजिए। उसके बाद में वही है कि मतलब कस्टमर को एडवाइस किया जाता है कि आप एडवांस में जानकारी देंगे बैंक को किसके बारे में कि हमने चेक इशू किया हुआ है इतने अमाउंट का, उसके बारे में एडवांस में इन्फॉर्मेशन देंगे। इन्फॉर्मेशन कैसे दे सकते हैं?
इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, ब्रांच को विजिट करना, एसएमएस करना, कई तरीके अवेलेबल होते हैं। उसके बाद में रिपोर्टिंग में डुप्लीकेशन और यूनिफॉर्मिटी रहे, इसके लिए अगर कोई चेक आता है जो कि फेक है और उसकी पेमेंट होती है तो उस केस में रिपोर्टिंग कौन करेगा? पेइंग बैंकर करेगा, कलेक्टिंग बैंकर नहीं करता है। अब चूँकि प्रेजेंटिंग बैंक या कलेक्टिंग बैंक के पास हमारे पास चेक रहेगा तो उस चेक को तुरंत ही पेइंग बैंक या ड्रावी को दे दिया जाना चाहिए, क्योंकि पेइंग बैंक ही यहाँ पर कंप्लेंट लॉन्च करेगा, FIR वगैरह करेगा, RBI को रिपोर्ट करेगा, उसी की जिम्मेदारी होती है। तो पुलिस कंप्लेंट करने की जिम्मेदारी पेइंग बैंकर की होती है। किस केस में? अगर जो चेक है वो फेक है, फ्रॉड है, फॉर्ज है, ओके। दूसरा केस था कि जो चेक आया हमारे पास में, मतलब कलेक्शन में, वो तो जेन्युइन था और अच्छा था, लेकिन उसकी जो पेमेंट ली गई है वो जिस व्यक्ति को, ओनर जो था, उसने ना लेकर के, जैसे राम को पेमेंट ले जानी थी लेकिन पेमेंट श्याम लेकर चला गया राम के सिग्नेचर करके, फर्जी वाले, इस तरीके का केस हो जाए तो उस केस में कलेक्टिंग बैंक की जिम्मेदारी होगी कि वो जो है मतलब कंप्लेंट फाइल करेगा पुलिस के साथ में। अगर कलेक्शन के दौरान कई सारे जो है ब्रांचेज इन्वॉल्व हैं बैंक की, जिसमें अल्टर्ड या फेक चेक हाथ में लगता है कलेक्शन में, और पता चलता है कि बैंक की कई ब्रांचेज इन्वॉल्व हैं, तो जिस ब्रांच ने पेमेंट की होगी उस चेक के अगेंस्ट, उसी ब्रांच की जिम्मेदारी होगी कि वो फ्रॉड की रिपोर्टिंग करे हेड ऑफिस को अपने, ठीक है। तो ये हो गई फ्रेंड जो है कि चेक से रिलेटेड हमें क्या क्या जिम्मेदारियाँ निभानी पड़ती हैं। होप है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।